मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कैसे हो? मैम हम भी ठीक है बेटा। पढ़ाई आपकी ठीक चल रही है? यस मैम। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? मैम ग्रामर। ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था? शब्द संरचना। मैम शब्द संरचना। संरचना बेटा, शब्द संरचना के अंतर्गत जो है शब्दों के कितने भेद किए गए थे कौन बताएगा? मैम कनिष्का बताइए बेटा। मैम उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। यस मैम। तीन भेद किए गए थे है ना, उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। वेरी गुड। प्रयोग। चलिए शालू आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद किए गए थे उत्पत्ति के आधार पर। शालू मैम चार। चार पहला क्या है बेटा उसमें? मैम चार तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बताइए? तत्सम शब्द मैम संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देख के नहीं उसे बताइए कि कितना लग रहा है जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए। मैम अग्नि। मैम ग्राम। ग्राम मैम अग्नि। देखिए सब सब लोगों को नहीं बोलना एक साथ, हम सबसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे पूछे वही बताएं। सालू हो गई, अब चलिए बताएंगे देवांश। देवांश सही तत्व शब्द क्या है बेटा? तत्व शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में योग के तत्व पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्व शब्द कहते हैं, जैसे ग्राम, हस्त, अग्नि आदि। बेटा हमने तद्भव आपसे पूछा था, तत्सम नहीं। तत्सम शब्द हमने सालों से पूछा था ना, आप तद्भव बताएं। संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में देख के बता रहे होते हैं हो। वे तत्व चीटिंग करके बता रहे हो, हम यहाँ से देख रहे हैं सबको। सावित्री आप बताइए बेटा तत्व शब्द क्या है? मैम संस्कृत। मैम क्या तद्भव शब्द क्या है? मैम संस्कृत भाषा के जो शब्द मैम थोड़ा परिवर्तन करके शब्द में प्रयुक्त होते हैं मैम उसे तत्व शब्द कहते हैं। जैसे मैम जैसे घित। मैम घित। मैम ग्रह। मैम घृत ग्रह। घृत से क्या हुआ है तब? मैम तत्व शब्द। ओ मैम ये तत्सम शब्द है। यस मैम। घृत तो तत्सम शब्द है ना, घी से बना क्या है तत्व? मैम आपको ही बताना है ना। घी। घी। मैम घी बन। घी घृत से घी बना ऐसे बताना है। अल सभा बेटा बताइए तीसरा क्या है उपज के आधार पे शब्द के भेद? तद्भव तत्सम तो बताया गया, तीसरा कौन सा भेद है? मैम देशज। किसे कहते हैं बेटा देशज शब्द? मैम जो देश की अन्य देश की अन्य बोलियों व भिन्न भिन्न
क्षेत्रों से यानी जो हमारे भाषा में विभिन्न बोलियों और क्षेत्रों से आ गए हैं है ना, वो देश yes, कहलाते हैं। जैसे मैम खाट, मैम खाट, झाड़ू, पगड़ी, मैम डॉक्टर। अस्मिता बताएंगे विदेशी शब्द किसे कहते हैं बेटा। अस्मित यस मैम बोलिए बेटा, विदेशी शब्द किसे कहते हैं। सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग आराम से सुने केवल। हम अभी नेम लेके हम सबसे क्वेश्चन करेंगे ठीक है। आराम से जो विदेश बोले जाते हैं अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। अस्मित बताइए अब मैम जो विदेश में बोले जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जो विदेशी यानी अन्य देशों के भाषा से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बताइए कौन कौन सब हो सकते हैं विदेशी। मैम चावल, मैम स्टेशन, डॉक्टर, स्टेशन, डॉक्टर, मैम रुमाल, मैम स्कूल, रुमाल, किताब, मैम इंजीनियर भी। अगला क्वेश्चन है अमन आप बताइए शब्दों का भेद जो किया गया था उत्पत्ति के आधार पे चार भेद हो गया तद्भुत असम देशज और विदेशी। दूसरा आधार क्या है बेटा अस्मित। अरे अमन मैम बनावट के आधार आवाज कटके आ रही है। मैम बनावट के आधार, बनावट के आधार पे है तो बनावट के आधार पे कितने भेद किए गए बेटा अमन। मैम तीन। तीन कौन कौन से। मैम रूढ़ शब्द, मैम यौगिक शब्द और मैम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देख के बोल रहे हो ना। चलिए शामिल क्या बताएंगी। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बेटा। शान्विका शान्विका बेटा आपकी बात कट रही है। मेरी बात कट रही है बेटा। हाँ बेटा आवाज सुनाई दे रही है। हाँ यस मैम। किससे पूछ रहे थे। शान्विका से पूछ रहे थे ना। यस मैम। अच्छा शान्विका अभी नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो अभी हो गया था अपने आप को कर ली हूँ। चलिए आप बताएंगे सौरभ। सौरभ यस मैम बताइए बेटा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सौरभ नहीं बता पाओगे, आप पढ़ते नहीं हो ना। हाँ बताइए शब्द बता रही हो अगर उनके आवाज आपकी आ नहीं रही है। हाँ बोलिए फिर से बोलिए। मैम रूढ़ शब्द व शब्द होते हैं मैम जिनके टुकड़े नहीं किए जाते। अगर उनके टुकड़े किए जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
जैसे सूर्य आदि। मैं नेचर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया रूढ़ सब। अब बताएंगे निहारिका, बैठी है बहुत देर से, आप बताइए बेटा यौगिक शब्द किसे कहते हैं? निहारिका यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द होते हैं जो बेटे, बेटा आपकी आवाज पूरी आई नहीं। शब्दों के खंड किए जाए तो निहारिका, निहारिका कर क्या रही हो? चीटिंग कर रही हो ना? बोलिए फिर से बोलिए। यौगिक शब्द दो वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे जैसे अपमान। हाँ अपमान। आपकी आवाज आ नहीं रही है, क्या बोल रही है? मैं बोल रही हूँ अपमान। आवाज आ नहीं रही आपकी, तनिष्का बताएंगी एग्जांपल। अपमान बोल तनिष्का। मैम हाँ बोलिए बेटा आप। मैम विद्यालय। हाँ विद्यालय, विद्यालय विद्यालय है, विश्रामालय है, शयन कक्ष, भोजन कक्ष है ना? दो शब्दों के योग से बना है, कोई भी शब्द इस तरह से हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। शयन कक्ष। चलिए अगला योग रूप। अगला कौन सा होगा बेटा? कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? आकांक्षा कुछ आप भी बोलो। आकांक्षा मैम योग रूढ़। हाँ योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बेटा? आकांक्षा मैम योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। और मैम और किसी भी प्रस्तुत करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। जैसे जैसे हिमालय, मैम जैसे हिमालय। चलिए बेटा रुक रुक के बताई हो लेकिन बता ली गई हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुषमा बोलेंगे। सुषमा। यस मैम। यस मैम। चलिए आप बताइए तीसरा कौन सा भेद था शब्द का, किसके आधार पे? प्रयोग। मैम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भेद भेद किए गए हैं? मैम दो भेद किए गए हैं। चलिए पहला भेद बताएंगे अतुल। अतुल बताइए पहला भेद क्या है? अतुल इन सब। हाँ बेटा गायब ही हो गए। अतुल बोलिए अतुल। जिन शब्दों में लिंग वचन या काल
काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन शब्द विकारी में आते हैं? जैसे मैं अस्मिता बताओगे? संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण। अस्मित दूसरा क्या होगा, कौन सा भेद होगा? विकारी के बाद कौन सा आएगा? अविकारी। अविकारी बताइए अविकारी सब किसे कहते हैं? अस्मित जवाब दीजिए बेटा, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? नहीं बोलोगे? देवांश बताएंगे। देवांश अविकारी शब्द किसे कहते हैं बेटा? पहले स्पीकर ऑन कीजिए अपना। हमें एयरटेल बताने दो बेटा, सबको बताने दो। एयरटेल देवांश बोलिए बेटा। जो शब्दों के लिंग वचन अथवा काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। कौन सा होगा उसमें? सारी शब्द कहते हैं मैम। क्रिया विशेष मैम क्रिया विशेष समूह समुच बोधक। ठीक है बेटा, चलिए और भी क्वेश्चन हम पूछें आप लोगों से। हाँ चंद्र का, चलिए निहार का बताएंगे। चंद्र का तद्भव क्या होगा? निहार का चांद। चांद सालू आप बताए। मयूर, मयूर का मैम मोर। यस मैम। अच्छा बताइए शानवी का रूढ़ शब्द, इसमें से कौन कौन से रूढ़ शब्द हैं जो दिया गया है आपके बुक में? रूढ़ शब्द जो बुक में, हाँ बुक में जो दिया गया है, निम्न रूढ़ यौगिक और अयौगिक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। आपने इसको कंप्लीट किया था ना, रूढ़ शब्द में आपने किसको किसको रखा है? yes, बताइए मैम। इसमें से कुर्सी और दाल को सबने रखा है ना? हाँ बहुत अच्छा बेटा। यौगिक में किसको रखा गया है? विद्यालय जयमाला। विद्यालय जयमाला। यौगिक में चलिए ठीक है। आप लोग पढ़े हो, बुक भी रखे हो सब लोग। अब चलिए कुछ दो चीज थे जो हमने नहीं कराए थे, है ना? पहला था नीचे बुक से करे या बुक सबके पास है उसे पूछे, ऐसे ही पूछे ना मैम। बुक है जो तो जाने सबके बुक में है ना, है ना? यस मैम। जो तो जाने सबके बुक में है। चलिए बताइए सब लोग ओपन कर लिए। जो तो जाने ओपन कर लिए, इसको हमने नहीं कराया था ना? यस मैम। हाँ देखते हैं आप लोग कितना दिमाग रखते हो। हाथ
के और उठाएंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं कोई भी, हाथ उठाना है किसको, जिसको आता होगा हाथ उठाएंगे। मन की बात उसको जिससे समझाए, बताओ वह क्या कहलाए। कितने लोग बता सकते हैं? मैम नहीं पता। नहीं पता बेटा? मैम ऐसे नहीं बोलना है, पहले नहीं जाना है, केवल हाथ उठाना है। निहारिका आप बताइए, हाथ उठा रही हो। भाषा। भाषा। सालू क्या बता रही हो आप बताओ, हाथ उठा रही हो। भाषा। और अतुल हाथ उठाए थे, क्या होगा बेटा? मैम भाषा। भाषा, वेरी गुड। मैम भाषा, भाषा ही लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं लिखे हो तो आप लोग लिख लो। हम क्लासरूम में बैठे हैं ना, गूगल क्लासरूम में, ठीक है। हाँ, लाइव क्लासरूम में, गूगल नहीं, लाइव क्लासरूम में। हाँ चलिए, दूसरी पहली है, किसी का सहारा न चाहे। ध्यान दीजिएगा, किसी का सहारा न चाहे, अपने आप बढ़ते जाएं, व्यंजनों से मिल नए शब्द बनाएं। जिनको आता होगा हाथ उठाएंगे केवल। बुद्धि परीक्षा। रुक जाइए, एक बार जो बता दिए हैं दूसरे को मौका देंगे हम। सुषमा। मैम सर। सानविका। मैम सर। और कौन उठा रहा है? मैम। सावित्री। मैम। सावित्री बोलिए, जवाब दीजिए। स्वर, यानी सब लोग स्वर के पक्ष में है, तो सही जवाब इसका स्वर है। यस मैम। हाँ चलिए अगला देखिए, स्वरों के साथ जरूरी, स्वरों का साथ जरूरी, यही इनकी मजबूरी। अमन। मैम व्यंजन। मैम अतुल। व्यंजन। व्यंजन बता रहे हो, व्यंजन ही सही है। व्यंजन ही सही है। हाँ चलिए अगला, ऐसा है वह साथ, भाषा की गतिविधियों का रखे सदा हिसाब। अतुल। व्याकरण। 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 आलू। मैम व्याकरण। हाँ बेटा, तो व्याकरण शास्त्र है ना, इसको हम कहेंगे व्याकरण शास्त्र, ठीक है। चलिए अगला है, चिन्ह चिन्ह का बोध कराती, भाषा का लिखित रूप सिखाती। मैम मैं क्या बता सकते हैं? अनिका बेटा पहले स्पीकर ऑन करो। सानिका स्पीकर ऑन करो, बोलिए। मैम मैम लिपि। लिपि। मैम लिपि। मैम करेक्ट। लिपि। सावित्री। निहारिका। सब लोग लिपि। मैम लिपि। मैम लिपि। मैम लिपि। मैम लिपि सही है। चलिए अगला, सब देशों में बोली जाए, भाषाओं की महारानी कहलाई। मैम मैम उठाएं पहले। इंग्लिश। सावित्री। मैम हिंदी। हाँ मैम भाषा। मैम अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश। मैम अमन। मैम हिंदी। हिंदी।
सब देशों में विदेशी भाषा, सब देशों में बोली जाए भाषाओं की महारानी कहलाई। विदेशी भाषा अंग्रेजी है, सब देशों में जो बोली जाती है वो भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, इसलिए इसको भाषाओं की महारानी कहा गया है। मैम अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। मैम अंग्रेजी, हाँ सही कर लो। अंतिम पहेली है, हाथ और आंखों से समझाए, मन की बात दूसरों को बताए। सब लोग समझ गए होंगे। बोलिए अतुल। सांकेतिक। सान्विका आवाज तो पहले स्पीकर तो ऑन। सांकेतिक भाषा सही है। एक चीज का और ध्यान देना है, एक चैप्टर आपका इसी में से एक पैसे द्रव है, अभी आपने नहीं किया। देखिए निम्न गद्यांश को पढ़कर पांच अशुभ शब्दों पर नीला रंग कीजिए। इससे पहले है यस मैम। मैम कौन से शब्द को अशुद्ध? चलिए एक एक से पूछेंगे हम। सबके पास बुक्स है ना यहाँ, है ना? यस। पहले को बताना चाहेगा पांच अशुद्ध शब्द बताना है आपको। कनिष्का बताएंगे पहले। पांच मैम रुक जाइए। मैम तो हाँ मैम एक चमन का मैम ये पढ़ा हूँ। करा दूसरा मैम मैम प्रकाशित। हाँ सारू आप बताएं। मैम मैम करा है मैम प्रयोग। हाँ बेटा सारू मैम प्रकाशित। हाँ मैम अमन बताएं। मैम प्रकाशित मैम तरह मैम प्रकाशित मैम अमेरिकन मैम प्रयोग मैम मिलते मैम गोमेश मैम मूल। हाँ मैम गोमेश मूल मूल लिखा हुआ है ना, मूल लिखा हुआ मूल होना चाहिए, ये भी गलत है। और सब सुषमा बताए। सुषमा मैम तारा आवाज आता प्रकाशित मैम भूतल मैम प्रकाशित कापी मैम भूतल ढक्कन मैम अस्मित मैम ढक्कन मैम बोतल मैम परी मैम कन मैम ढक्कन भी होगा और मैम ढक्कन भी। ढक्कन भी है गलत। वेरी गुड बोतल लिखा है, बोतल होना चाहिए था, ये भी गलत है। प्रयोग गलत है। ये जगह कैरम को केरम लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना? प्रकाशित गलत है। विकास शब्द जो लिखा गया ये भी गलत है, विकास में छोटा सा रहेगा, है ना? हाँ इतने सारे सब गलत हैं। चलिए तो आज हम केवल पूछताछ आप लोगों से कर रहे थे। अगला पेज आपका आएगा अभ्यास प्रश्न पत्र एक, ठीक है? इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आज का वर्क तो आपको मिल ही चुका है ना?
दो पेज है अभ्यास में, हम इसको दो दिन में आप लोगों से कराएंगे, ठीक है? पहला पेज कल, दूसरा पेज परसों, ठीक है? तो आप लोग इसके लिए आराम से तैयार रहिएगा और चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तीनों चैप्टर, क्योंकि जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है बेटा, इसमें तीनों चैप्टर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के मिक्स करके प्रश्न पूछे गए हैं, आज आपका टेस्ट लिया गया है, ठीक है? इस टेस्ट पेपर को आप मैम अभ्यास में मैम फोन से नहीं लिख के लाना। हाँ बेटा, मैम जब आप बताएंगे मैम तभी लिखिए। अभी आप केवल पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, है ना? अब आपका वर्क करते हैं, हम कल के वर्क में इसको देंगे, ठीक है? लेकिन दो पेज है इसलिए दो दिन में देंगे, क्योंकि एक दिन में इतना सारा आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो चेक करना आसान नहीं होगा, है ना? एक एक लोग अगर दो दो पेज भेजेंगे हमें दिक्कत होगी चेक करने में, इसलिए कल भेजा जाएगा, आज इसको नहीं करना है। आज केवल आप पढ़ेंगे, आज का वर्क आपको मिल चुका है, ठीक है बेटा? बेटा कोई परेशानी तो नहीं होगी बेटा? सबके पास ग्रामर की बुक है? कितने लोगों के पास बुक नहीं है? रेज योर हैंड जिसके पास बुक नहीं है ग्रामर की। अस्मित के पास नहीं है, बाकी सबके पास है? यस मैम। अस्मित बेटा तो हम बताइए क्या करें, सालू आपके पास है? यस मैम। तो अस्मित आपने कोई बुक नहीं लिया है अभी? नहीं बेटा, ले लो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिना बुक के थोड़ी पढ़ाई हो पाएगी, पढ़ना है तो बुक लेना पड़ेगा बेटा, है ना? यस। आपको देखिए जून भर बिना बुक के ही हम लोग पढ़ाए हैं। डेली वर्क आपको मिलता था ना, मई में मिलता था, जून में मिला है, होमवर्क मिला है ना कुछ ना कुछ, और फिर जून जब क्लास चल रहा है तब भी यानी पर डे आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिल कर रहा है, वो आप बुक नहीं ले रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, अपने पेरेंट्स से कहिए किसी तरह से बुक दिलवाए, ठीक है? तो चलिए बेटा आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, ठीक है? आज केवल 12 लोग जुड़े, चार लोग आज भी रह गए, कुणाल जुड़ के निकल गए, पूछना शुरू किए तो निकल गए, बैड हैबिट है, भले न बता पाओ लेकिन ग्रुप में रहो तो अपने है कि नहीं, सुनोगे तो सुनकर भी तो याद होगा कुछ तो कुछ। अस्मित के पास बुक नहीं थी लेकिन फिर भी जुड़े रहे, जुड़े रहने से उनको बहुत फायदा हुआ है, बहुत सारी चीजें उनको सुन सुन के याद हो गई होंगी, है ना बेटा? हाँ तो कभी मैम जब बुक आएगी तो कर ले जाएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम सावित्री? मैम हम लोग हमारे पास मैम हमारे पास नीला कलर नहीं है। आपके पास भी बुक नहीं है? मैम नीला कलर नहीं है बेटा। नीला कलर से नहीं मतलब कलर से करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी कलर से क्यों सर्कल तो करना रहेगा, उसके लिए मत परेशान हो, कोई भी कलर से सर्कल कर देना, ठीक है बेटा? बेटा अब हम यही सेशन एंड करते हैं। हेलो सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है बेटा? गुड बाय एवरीवन। Bye ma'am. Bye ma'am. Goodbye ma'am. Goodbye ma'am. Goodbye ma'am. Goodbye ma'am. Goodbye ma'am. अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है बेटा? Goodbye. Yes ma'am.